Hello and good evening, all of you. Welcome to the current affairs of the May second week. In this particular lecture, we'll be covering the current affairs for the second week of May, that is from 8th of May to 15th of May. So let's begin. There were many important news. The first one is cyclone Moka. देखो हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का आइडिया क्या होता है कि उसके पीछे का अब मौका आया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आया, उड़ीसा में आया, ठीक है, बट देन वो क्या है, एक टाइप का ट्रॉपिकल साइक्लोन है. और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पढ़ने का वो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन साइक्लोन बनते कैसे हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं. ठीक है, एक तो उन्हें लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, लगभग लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, देन कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए. कोरियोलिस फोर्स आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफ्लेक्ट करती है बोथ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी. ठीक है, और स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए विंड स्पीड में. मान लिया ऊपर की जो विंड, अगर वो बहुत तेज तेज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपका जो चक्रवात है जिसको हम साइक्लोन बोलते हैं वो नहीं बन पाएगा. मान लिया अगर यहाँ पे बहुत तेज विंड चल रही है तो ऊपर की विंड कैसे बनेंगी, नहीं बन पाएंगी, है ना. तो जरूरी है कि कोरियोलिस फोर्स हो और स्मॉल वेरिएशन इन दी वर्टिकल विंड स्पीड हो. उसके बाद एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको पता है कि किसके अराउंड बनता है, एक लो प्रेशर के अराउंड बनता है, और अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए अबाउट दी सी लेवल. तो इसी प्रकार से जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है. और ये आया था साइक्लोन मोका, और वो कहाँ आया था, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में. उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है शटल डिप्लोमेसी. देखो शटल डिप्लोमेसी होता क्या है, ये जो डिप्लोमेसी में एक ऐसा वर्ड है, मान लिया ये उन दो देशों के बीच में होता है जहाँ जो हेड्स ऑफ द स्टेट है वो आपस में नहीं मिल रहे, उनका अपना ईगो अलग ही चल रहा है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा. लेकिन क्योंकि कंट्री चलानी है, डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करने हैं, किसी भी चीज़ आगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे बचने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, तो जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं. शटल डिप्लोमेसी इज द मूवमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स बिटवीन कंट्रीज हुज लीडर्स रिफ्यूज टू टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर टू सेटल द आर्गुमेंट बिटवीन देम. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज काली टाइगर रिजर्व. सी द काली टाइगर रिजर्व इज इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, इज इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो या नहीं है, बट देन इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि काली टाइगर रिजर्व जो है आपका कर्नाटका में है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात. और ये ही तो था पहले, ये डंडेली आंशी टाइगर रिजर्व था, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, और काली टाइगर रिजर्व में जो है डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड आंशी नेशनल पार्क को ऐड किया गया. ठीक है, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, एक कर्नाटका में वहां पे ये है. ठीक है, देन सॉरी कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने क्या बोला है कि हम जो है इंडियन लैंग्वेजेस में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज जो है 10 इंडियन लैंग्वेजेस में निकालेंगे. दैट आर बोडो, संथाली, डोंगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली एंड संस्कृत. ठीक है, देन ओजोन पॉल्यूशन. देखिए ओजोन जो पॉल्यूशन है, ओजोन जो लेयर है वो अगर तो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है जो हमें कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है सन के, अगर तो वो है ऊपर है तो वो तो ठीक है, वो अच्छी है. ठीक है, बट जो ग्राउंड ओजोन होती है, जो ग्राउंड ओजोन होती है वो हार्मफुल होती है. ठीक है, वो बड़ी हार्मफुल होती है. और वो बनती कैसी है, जब एक VOCs होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब नॉक्स के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलके जब वो सनलाइट उन पे लगती है तब जो है ओजोन पॉल्यूशन क्रिएट होता है. दिल्ली में काफी ओजोन जो है पाया गया. ठीक है, देन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग. इसरो का प्रोग्राम है ये, और बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और साइंसेज और टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे. ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज, गुड न्यूज फॉर द पीपल फ्रॉम हरियाणा. हरियाणा कैबिनेट पेव्स द वे फॉर कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज. देखिए एक चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने जो है रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन्स को दे रखा है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जिसको हम OBCs बोलते हैं, या बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है वो स्टेट डिसाइड करेगा. ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल 243T में लिखा है. ठीक है, 36 में लिखा है. ठीक है, तो देयर विल बी नो बार ऑन स्टेट लेजिस्लेचर
फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ ए बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रीअफर्म किया था इन के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसी के इसी प्रोविजन के तहत या इसी प्रोविजन को इस्तेमाल करके जो है हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो जो है लोकल अर्बन लोकल बॉडीज में जो है बेसिकली रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रही है इलेक्शन। ओके नाउ आजकल भैया लिथियम तो गजब है, अभी आपका लिथियम के कुछ रिजर्व्स आपके वहाँ मिले थे जम्मू एंड कश्मीर में, अभी फिर मिल गए उनको, कहाँ पे मिले, राजस्थान में मिले। और आपको पता है कि लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जो आपके लैपटॉप्स हैं, जो आपके मोबाइल्स हैं, सब जो है आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेबल व्हीकल ये सब जो है इसमें लिथियम की जरूरत होती होती है, ठीक है। और अगर मैं लिथियम रिसोर्सेज की बात करूं तो लगभग लगभग 50% जो रिजर्व है साउथ अमेरिका में मिलेंगे आपको। एक लिथियम ट्रायंगल है, बोलिविया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, BAC से याद रख दो या ABC से याद रख लो उसको, अर्जेंटीना बोलिविया एंड चिली, ठीक है, ये बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। और अगर मैं जिस संस्थान ने इसको फाइंड आउट किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसको जो इनिशियली बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के लिए बनाया गया था और जो है कोयला खोदने के लिए 1851 में इसको बनाया गया था, ठीक है, टू फाइंड कोल डिपॉजिट फॉर रेलवेज। ओके नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज चेंजेस टू शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। देखो दो तरीके से चेंजेस होता है, तो पार्लियामेंट कर सकती है या प्रेजिडेंट कर सकते हैं, प्रेजिडेंट भी बेसिकली कैबिनेट की मंजूरी से ही करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 342 जो है ओनली द प्रेजिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी कैन गिव डायरेक्शन टू ऑल्टर द लिस्ट, ठीक है। एंड अंडर आर्टिकल 342 पार्लियामेंट मे बाय लॉ ऑल्टर द लिस्ट इशूड अंडर क्लॉज, ठीक है। तो प्रेजिडेंट जो है वो करेंगे या पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज रिवर्स फ्लिप। भैया रिवर्स फ्लिप क्या होता है, रिवर्स फ्लिप क्या होता है कि मान लिया एक कंपनी है कोई, मैं आपको छोटा सा बना के, इंडियन कंपनी है, उसकी सारी जो ओनरशिप है वो फॉरन एक कंपनी को सेल कर दी जाए अगर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लिपिंग, ठीक है। और जब रिवर्स फ्लिपिंग क्या हो गई कि वो उसके जो फॉरेन कंपनी है उसके सारे शेयर्स वापस इंडियन कंपनी को कर दिए जाए, उसको बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। देन द नेक्स्ट नो इन न्यूज वॉज तुंगनाथ टेम्पल। देखो तुंगनाथ टेम्पल जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज बिलीव टू बी 1000 ईयर ओल्ड और काफी ऊंचाई पे है ये। इट वॉज फाउंडेड बाय अर्जुन एंड यू नो इट इज द हाइएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो पंच केदार हैं, पंच केदार कौन कौन से हैं, केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, ठीक है, इनमें से जो है इसको तृतीय केदार भी बोला जाता है, ये तीसरा केदार है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देन याद रखना तुंगनाथ टेम्पल कहाँ है। तुंगनाथ टेम्पल आपका बड़ा फेमस है, आप कभी जाएं तो घूम के जरूर आए, मैं आपसे बोलूंगा, बड़ी सुंदर जगह है, ठीक है, और भगवान शिव के भी आपको वहाँ पे दर्शन होंगे। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द फ्लू हॉर्स। फ्लू हॉर्स इज अ काइंड ऑफ मालवेयर, एंड्रॉयड मालवेयर, ठीक है, बस इतना याद रखना है कि फ्लू हॉर्स क्या है, एंड्रॉयड मालवेयर है। देन राइट टू वॉक, ठीक है, राइट टू वॉक जो है पंजाब जो है पहला स्टेट बना जिसने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया, उसने बोला कि जो भी रोड बनाएंगे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे ना ही बनाए, वो जो है रोड के किनारे पैदल चलने की जगह देंगे, ठीक है। जब पंजाब राइट टू वॉक कराने वाला पहला, जहां राइट टू वॉक कराने वाला पहला स्टेट बना, वहीं तेलंगाना जो है वो रोबोटिक्स फ्रेमवर्क बनाने वाला पहला स्टेट बना कंट्री में, ठीक है, रोबोटिक्स फ्रेमवर्क बनाने वाला पहला स्टेट बना कंट्री में। देन नेक्स्ट इज सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर का है। बेसिकली ये एक आप प्लेटफॉर्म मान लो कि जहाँ पे जो है मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी ऑल दी हेल्थ प्रोफेशनल इन दी कंट्री, ठीक है, ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग इन मेडिकल एजुकेशन दी जाएगी टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन दी कंट्री। देन द नेक्स्ट इज पावर टू अपॉइंट विप रेस्ट विद पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखो विप जो होता है ना, बच्चे से बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, विप एक आदमी भी होता है, एक पर्सन भी होता है, और विप एक ऑर्डर भी होता है, ठीक है। मान लिया कोई इंस्ट्रक्शन है जो पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मेंबर्स को देना है, तो उसने एक ऑर्डर निकाला 3-line whip 2-line whip, ठीक है, तो वो भी एक विप होता है, और विप एक इंसान भी होता है जो कि हाउस में अपॉइंट किया जाता है कि जो कि वेरियस जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के
उसको मैनेज करता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना विप होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है कहीं विप का ऑफिस, बट देन यू नो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिवाइस इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इन इनफैक्ट द इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देन 25th एनिवर्सरी ऑफ पोखरण टू, देखो 1998 में पोखरण टू हुआ था, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, ठीक है। पोखरण वन जो है आपका 1974 में हुआ था, उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और अगर आपने रॉकेट बॉयज देखा है, एक सीजन आया है, ठीक है, अच्छे सीजन भी देखा करें, ठीक है, तो रॉकेट बॉयज एक सीजन आया है, सीजन टू, उसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की बात की गई है, ठीक है। इंदिरा गांधी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड यू नो यू शुड लर्न हाउ डिफिकल्ट इट वॉज एट दैट टाइम टू एग्जीक्यूट थिंग्स, वट प्रॉब्लम्स दैट दी आर यू नो साइंटिस्ट आर पॉलिटिकल क्लास फेस, तो यू नो इट्स अ स्टोरी इन इट सेल्फ, सो यू शुड लर्न। और जो पोखरण टू था उसको ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था, और पोखरण राजस्थान में, वहां पे ये न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि लॉन्ग टाइम से टसल चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, तो फाइनली ये सेटल हो गया है। अब प्रोपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा है कि लैंड पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के जो है जो पावर्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है, और जो गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज बाउंडेड बाई दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, तो जो आईएएस वगैरह का ट्रांसफर वगैरह है वो दिल्ली गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। देन आपको पता है लीगो का जो एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है इंडिया में, जो लीगो एक्सपेरिमेंट जो अराउंड द वर्ल्ड किया जा रहा है, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो इंडिया, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है, महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो डिफरेंट स्टेट स्टेशन है अराउंड द वर्ल्ड, उनमें से एक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज एम पॉक्स, मंकी पॉक्स है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हैड्रॉन बीम थेरेपी, देखो हैड्रॉन बीम थेरेपी भी क्या है, बेसिकली पीएम ने डेडिकेट करी, ये बेसिकली ट्यूमर्स वगैरह को ठीक करने के काम आती है, बड़ी जो होती है कम, ये जो टिश्यूज होते हैं उसको कम डैमेज पहुंचाता है, और आसानी से उसको पेनिट्रेट करके अच्छे से जो कैंसर सेल होते हैं उन्हें कंटेन कर सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज पलक लेक, पलक लेक कहाँ है बस याद रखिएगा, पलक वेटलैंड, बेसिकली लेक क्या है, पलक वेटलैंड रिजर्व है, मिजोरम में है, ठीक है। वहाँ पे नेचर वॉक, वो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी लाइफ जो प्रोग्राम है वो चलाया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड फॉल्स अंडर इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज फिजन मोलिब्डेनम 99, बस याद रखिएगा कि ये एक आइसोटोप है, और ये जो है बेसिकली आपका काम आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, ये किस में काम आता है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। देन द नेक्स्ट न्यूज इज भोपाल बिकम्स फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो भोपाल पहली सिटी बनी, तो MBPCS के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी पहली कंट्री इंडिया में जिसने SDG ट्रैकिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाया है या प्रोग्रेस ट्रैक करेगी, वो कौन है, भोपाल, ठीक है। देन कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग आप सुनते हो, तो कार्बन डेटिंग जो है बेसिकली किसी भी जो ऑर्गेनिक एलिमेंट है या ऑर्गेनिक चीज़ है उसकी एज जानने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ की एज 40,000 से या 50,000 साल से पुरानी है तब नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें जो है कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, और हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है, जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने वहाँ पढ़ा होगा, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है कि वो आधा जो है कितने साल में डिके होगा, तो उसकी हाफ लाइफ जो है 5730 है, उसी के हिसाब से जो है जितने भी ऑर्गेनिक आप क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी एज निकाली जा सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ज्वाइन ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज समुद्र शक्ति 23, तो ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। देन नेक्स्ट इज फॉलगार्ड गैप, देखो तीन गैप हैं, दो आप मुझे बताओगे, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बोरघाट एक है आपका, थोरघाट एक है, बोरघाट एक है
फालघाट, देखो फालघाट जो है ये जिसे आप मान लीजिए वेस्टर्न घाट्स में चल रहे हैं, तो ये गैप्स हैं ठीक है। तो जो ये फालघाट गैप है ये कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि कोयम्बटूर तो कहाँ है, तमिलनाडु में है, और पलक्कड़ कहाँ है, केरला में है ठीक है। तो एक टाइप से आप तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, और यहाँ से जो है भारतपुजा एक रिवर है वो फ्लो होती है। जैसे भारतपुजा रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी, आप ये बताइए मेरे को ठीक है। देन सेमी क्रायोजेनिक इंजन, देखो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो वेरी लो टेम्परेचर पे जो है गैसेस का जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। सेमी क्रायोजेनिक जो होता है वो रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल करता है, किसकी जगह, लिक्विड हाइड्रोजन की जगह। उसमें लिक्विड ऑक्सीजन तो होती है जो एज अ ऑक्सीडाइजर काम करती है, मगर जो लिक्विड रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है किसकी जगह, लिक्विड हाइड्रोजन की जगह ठीक है। और बड़ा पावरफुल होता है, जो क्रायोजेनिक इंजन से ज़्यादा पावरफुल होता है, मोर इको फ्रेंडली होता है, कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है ठीक है। देन द पर्सन इन न्यूज वॉज अ कम्मा चेरन, मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू सी, आई शुड राइट नेम हेयर ठीक है, जो येलो था वो ज़्यादा वो हो गया। अकम्मा चेरन जो थे 1938 में महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर ये जॉब करती थी एक टीचिंग की ठीक है, और इन्होंने जॉब छोड़ के जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया ठीक है। और ट्रेवन कोर में जो उस टाइम के किंग थे, दीवान थे, उनके खिलाफ इन्होंने जो है प्रोटेस्ट लेड किया, और इनको जो है महात्मा गांधी ने झांसी की रानी ऑफ ट्रेवन कोर का भी ट्रेवन कोर का जो टाइटल था वो दिया था ठीक है। और शी वॉज गिवन टास्क टू ऑर्गेनाइज देसा सेविका संघा, दैट इज वुमेन वॉलंटियर कॉप्स ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स ठीक है। तो एक्चुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटाज हैं ठीक है, निकालता कौन है इसको, बेसिकली नीति आयोग से रिलेटेड है, और जितने भी बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं वो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है वो कितना अच्छा है उस क्वालिटी को ये चेक करता है। देन सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये बेसिकली अगर कोई फ़ोन खो जाए तो उसका एक रजिस्ट्री है कि जो जो फ़ोन खो गए हैं या कुछ है उनका, ये यहाँ पे जो एक टाइप का ये रजिस्टर है ठीक है। तो आई थिंक इसमें इस लेक्चर में इतना रहेगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, आप एक थैलेसीमिया बाल सेवा योजना भी पढ़ सकते हैं, मिशन अमृत सरोवर भी पढ़ सकते हैं, देन एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो पढ़ सकते हैं, सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ सकते हैं, चम लामा डांस के बारे में पढ़ सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, और सीबीआई के बारे में पढ़ सकते हैं, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कमेंट और रीच आउट एट द नंबर गिवन बिलो। टिल देन आई शेल बाय बाय एंड आई शेल सी यू नेक्स्ट वीक। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।